नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों की। आज पीएम मोदी वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में दौरा करने पहुंचे, किया हवाई सर्वे। वहीं राहुल गांधी बोले, मुझे भरोसा है प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। कोलकाता के हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या करने का मामला आया सामने। ममता बनर्जी ने दिया बयान, कहा दोषी को फांसी दिलाएंगे। जेल से बाहर आने के बाद आप पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बोले, सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला, केजरीवाल भी जेल से जल्द बाहर आएंगे। साथ ही कहा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यूपी में गंगा लगातार दूसरे दिन भी उफान पर। हिमाचल में 145 सड़कें हुई बंद, तो वहीं आज 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। सपा सांसद जया बच्चन की बहस के बाद जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में विपक्ष। उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 87 सांसदों ने किए हस्ताक्षर। आज गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ियों पर किया हमला। वहां रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर लाठी डंडों से पीटा, उनकी झोपड़ियां तोड़कर तहस नहस कर सामान में लगाई आग। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने में जुटे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नंबरदारों को खुश कर सकते हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने राज्य में नंबरदारों की नई भर्ती पर रोक लगा रखी है। मुख्यमंत्री इस भर्ती पर लगी रोक हटाने के साथ ही 75 साल की उम्र में नंबरदारों की रिटायरमेंट होने का फैसला वापस ले सकते हैं। तहसील कार्यालयों में नंबरदारों के बैठने के लिए एक कमरे की व्यवस्था हो सकती है और साथ ही नंबरदार के बेटे को नंबरदारी देने का निर्णय भी लिया जा सकता है। और तो और, अगले कुछ दिनों में सम्मेलन कर घोषणा भी हो सकती है। शहरी निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नंबरदारों की अधिकतर मांगों को पूरा करने में सहमत बनाने की बात कही गई है। बताते चले कि हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन की बैठक होने के बाद कही जा रही है, जिसमें जिला प्रधानों के अलावा तहसीलों के प्रधान भी बुलाए गए हैं। इस राज्य स्तरीय बैठक में नंबरदारों की मांगों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री के सामने भी अपनी मांग उठा चुके हैं। वे मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। हरियाणा के परिवहन, महिला एवं विकास मंत्री असीम गोयल ने कहा कि मैं ओलंपिक में धाक जमाने वाली खिलाड़ी मनु भाकर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। दरअसल मनु भाकर ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। परिवहन मंत्री शुक्रवार अम्बाला छावनी जिया वाटिका में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने यह बात पत्रकारों के बीच कहते हुए कहा कि खिलाड़ी मनु भाकर व सरबजोत सिंह को ओलंपिक की इस उपलब्धि से हर भारतवासी को गर्व है। उन्होंने कहा कि मनु को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड अम्बेसडर बनाने की मैं घोषणा करता हूं। अगली खबर पलवल से है, जहां भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से शहीदों के सम्मान में बाबा फार्म से हुड्डा चौक तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। दरअसल ये यात्रा पलवल विधायक दीपक मंगला की अगुवाई में निकाली गई। वहीं इस दौरान लोगों ने वीर शहीद अमर रहे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। बता दें कि इस अवसर पर पलवल के विधायक दीपक मंगला ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आज पलवल विधानसभा में भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से शहीदों के सम्मान में 370 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला और लोगों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। मंगला ने देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि देश की रक्षा करने वाले शहीदों को हमेशा सम्मान देना चाहिए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पलवल विधानसभा क्षेत्र की तिरंगा यात्रा आज यहाँ पर निकाली गई और आप देख रहे हैं कितना जोश और उत्साह आम जनमानस में देश के प्रति था और आज भी है। और आपने ये भी देखा होगा 370 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज लेकर के यहाँ के पलवल के हमारे आम जनमानस कार्यकर्ता लेकर के चले हैं, उत्साह जोश के साथ चले हैं। आम जनमानस की इसमें पूर्ण रूप से सहभागिता रही है। तो मैं इस अवसर पर अपने ऐसे शहीद जिन्होंने अपने प्राण देश की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिए, मैं
इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूँ और आम जनमानस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी शहीदों को मैं शीश झुका करके नमन करता हूँ। हरियाणा में गरीब परिवारों के घर की छतों पर मुफ्त में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। साथ में ये भी बता दें, जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए है, उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे न केवल घर की बिजली की जरूरतें पूरी होगी बल्कि अतिरिक्त बिजली को बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर निवास पर आयोजित ऐसी युवा सम्मेलन में कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अनुसूचित जाति, गरीब और अंत्योदय परिवार को लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार एक मिशन के मोड पर काम कर रही है। सीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में बनी योजनाओं का प्रदेश के लोगों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा। प्रदेश में जमकर विकास कार्य हुए हैं जिनके दम पर हम लोगों के बीच जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठ फैलाया था कि केंद्र में भाजपा सरकार आई तो देश के संविधान को बदल देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो संविधान को माथे पर लगाते हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।